आज हम नासिक में हैं। ये नासिक शहर इस देश के ज्ञान की राजधानी का केंद्र रहा है, जहाँ पर भारत में कुल 4 स्थानों पे कुंभ लगता है, जो भारत के ज्ञान केंद्र हैं। एक तरह से बृहस्पति के स्थल माने जाते हैं, वो उनमें से एक नासिक है। नासिक में बहने वाली गोदावरी आज संकट में है, बीमार है, आईसीयू में भर्ती है, और यदि इसके बेटे और बेटियों ने इसको ठीक से संभाला नहीं तो ये कभी भी मर सकते हैं। मैं जानता हूँ भारतीय शास्त्रों में गोदावरी गंगा सनातन है, कभी मरने वाली नहीं है, पर जिस तरह से हमारा इन नदियों के साथ आचरण है, व्यवहार है, उसने इन नदियों पर, इन नदियों की ज़मीन पर अतिक्रमण और नदियों के पानी में प्रदूषण और धरती के पेट से पानी निकालने का शोषण का काम किया है। इस काम से हम नई पीढ़ी को सिखाने के लिए आज सिम्बोसिस में हमने जो नए हमारे प्रबंधन के लीडर्स हैं उनको यही उनके साथ यही बात की कि तुम दुनिया के अच्छे लीडर तब बन सकते हो जब अपनी जगह की नदियाँ, अपनी जगह के पहाड़, अपनी जगह की धरती हरी भरी होगी। आज सिम्बोसिस के विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को, कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अच्छा संवाद किया, बहुत अच्छे सवाल पूछे, मैंने भी उनको जवाब देने की कोशिश की, और उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जो भारतीय ज्ञान तंत्र है, इंडिजिनस नॉलेज है, और उसमें जो मैनेजमेंट है, उसी मैनेजमेंट के अनुसार साझे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लाभ के साथ साथ शुभ का भी ख्याल रखेंगे। इस मायने में आज की ये संगोष्ठी, आज की ये बैठक, आज का ये उनका नए साल का, नए सत्र का शुभारंभ, उसमें मुझे आके यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ बात करके अच्छा लगा। मैं समझता हूँ इस तरह के विद्यार्थी अपने अगले जीवन में, आने वाले समय में इस देश के लिए अच्छा काम करेंगे, जिनको जलवायु परिवर्तन के खतरे और धरती को चढ़ते बुखार और मौसम के बिगड़ते मिजाज का ज्ञान हो जाएगा, तो वो अपनी क्षमताओं से, अपनी कुशलताओं से उसको बेहतर बनाने के लिए काम करें। हमारी नासिक की टीम पिछले 5-6 सालों से गोदावरी और ख़ासकर त्र्यंबकेश्वर और ब्रह्मगिरी, उसके संरक्षण में, उसके प्रबंधन के काम में लगी है। इन्होंने वहाँ जल बचाने के लिए ट्रेंचेस बनाने के काम और वहाँ हरियाली बढ़ाने के लिए जल रोकने के काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि उस काम का असर इस बारिश में और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। यदि पानी ऊपर रुकेगा तो नीचे का रिचार्ज बढ़ेगा और बाढ़ नहीं आएगी। पहले ब्रह्मगिरी में जब ये पानी का कंजर्वेशन का काम नहीं था तो थोड़ी भी बारिश होती थी तो सारा पानी इकट्ठा होके त्र्यंबकेश्वर में बाढ़ ले आता था। अब वहाँ बाढ़ नहीं आती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो ब्रह्मगिरी के नीचे त्र्यंबकेश्वर में नदी की उद्गम को कंक्रीटाइज कर दिया है, सीमेंट कंक्रीट से बंद कर दिया है, उसको दोबारा हटाना चाहिए। आज हम उसको हटवाने के लिए यहाँ के कमिश्नर और कलेक्टर के साथ दौरा करने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं उस जगह पिछले 8-9 सालों से लगातार आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। नदी का जीवन, जहाँ नदी का जीवन शुरू होता है, वो शरीर में सबसे ज़्यादा संवेदनशील जगह होती है, और यदि उस जगह को सीमेंट कंक्रीट से बंद कर देते हैं तो माँ की जो उत्पादन क्षमता है वो मर जाती है, वो घट जाती है, वो रुद्ध हो जाती है, वो रुक जाती है। इसलिए माँ गोदा को पुनर्जीवित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके जो रुंध रोक दिए गए हैं, उसके जो
रिचार्ज के बिंदु थे उनको सीमेंट कंक्रीट से भर के बंद कर दिया है ज़बरदस्ती, उसको हटाना चाहिए, नहीं तो माँ गोदा का क्रोध, माँ गोदा का गुस्सा नासिक के लिए बहुत भारी हो जाएगा, और ना केवल नासिक, गोदावरी के दोनों तरफ के नीचे के लोगों के लिए बहुत भारी होगा। इसलिए मैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दी हैं, उन हाईकोर्ट की डायरेक्शन की लाइट में जल्दी से जल्दी पॉजिटिव एक्शन लेकर माँ गोदा की सेहत को ठीक रखने का काम, सीमेंट कंक्रीट को तोड़कर हटाने का काम जल्दी से करना चाहिए।